के अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी में अध्याय 5 घर की याद कविता के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्रम से हम क्या है एक एक काव्यांश देखेंगे और उसका क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे। ओके तो पहला है कड़ी पढ़ लेते हैं अपन काव्यांश। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर पे तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो घर कुसी का पूर है। ओके तो संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ आपका इस कविता के सभी काव्यांश में एक ही रहने वाला है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक आरोह भाग एक में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद से ली गई है। ओके तो संदर्भ आपका सभी काव्यांश पर यही रहने वाला है। अब इस जो अभी हमने क्या है काव्यांश पढ़ा इसका प्रसंग देख लेते हैं। इसमें प्रसंग मतलब आप क्या है दो लाइन में आपको क्या है बताना है कि इस पूरे काव्यांश में किसकी बात हो रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कारावास में रहने के दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का सुंदर वर्णन किया है। ओके अच्छा व्याख्या देख लेते हैं। कवि कह रहा है कि आज बाहर बहुत पानी बरस रहा है, अर्थात बाहर क्या है मूसलाधार बारिश हो रही है, रात भर हुई है। इस बारिश ने उसके मन की कोमल भावनाओं को जागृत कर दिया है। ऐसी तेज बारिश में कवि की आंखों के सामने उसका घर तैरता हुआ नजर आने लगता है, अर्थात कारावास में रहने के कारण उसे अपना घर और कहा घर के सदस्य याद आने लगते हैं। वह घर जो उससे बहुत दूर है और खुशियों से कह भरा हुआ है। कहने का भाव यह है कि उसके जेल प्रवास के समय भयंकर वर्षा होने के कारण उसे क्या है घर की याद आ रही किसे कवि को। नेक्स्ट काव्यांश देख लेते हैं। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने। ओके तो देख लेते हैं इसका प्रसंग। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को अपने घर के सदस्यों की याद आ रही है। व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या है कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए कहता है कि उसके घर क्या चार भाई हैं, आज उसकी विवाहित बहन भी मायके अर्थात अपने क्या घर आई होती होगी और उसे ना पाकर वह क्या है दुखी हुई होगी, किसे ना पाकर कवि को ना पाकर। ओके तो परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी बहन अपने परिवार पिता के घर ना आकर कष्ट और क्या दुख के घर आ गई है। कहने का भाव यह है कि उसके जेल जाने के घर उदासी छा गई है। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी का आपस में गहरा प्यार है। चारों भाई चार भुजाओं के समान हैं और जो बहनें अपने भाइयों के अत्यधिक क्या है प्यार करती है। ओके नेक्स्ट काव्यांश देख लेते हैं। नेक्स्ट काव्यांश है और माँ बिन पड़ी मेरी दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। ओके इसमें आपको प्रसंग में क्या बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जेल में बैठकर अपनी माँ को याद करता है। ओके आपने देखी रहा कि माँ की बात हो रही है पूरे काव्यांश में, तो कवि किसे याद करता है जेल में बैठकर माँ को याद करता है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मैं उसके जेल जाने के कारण दुखी है। वह अपनी माँ की ममता का उल्लेख करते हुए कहता है कि उसकी गोद में सिर रखने से उसके सारे कष्ट और क्या है दुख दूर हो जाते हैं। कवि आगे कहता है कि माँ के प्यार की धारा का प्रसार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, उसके स्नेह की धारा यहाँ तक जेल तक भी क्या है बह रही है। कवि कहता है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है जिस कारण उसे पत्र भी नहीं लिख सकती, इसलिए उसे अपनी माँ का कोई पत्र भी प्राप्त नहीं होता है। मतलब क्या है उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उसकी माँ पत्र नहीं लिख पाती है, जिससे क्या है कवि को पत्र नहीं मिल पाता, ये बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो चैप्टर, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके तो देख लिए आगे देख लेते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं है व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचके शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता काम में झंझा लड़जता। ओके तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने क्या है पिता की विशेषताओं के बारे में बताता है, पिता की विशेषताओं के बारे में बताता है। ओके कवि ने क्या है जो आपने पंक्तियां देखेंगे पूरी कविता में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी हुई, पहले उसने क्या है प्रस्तावना दी है ओके कुछ पंक्तियों में, उसके बाद अपने परिवार को याद किया है, परिवार के बाद उसने अपनी माता को याद किया है, फिर उसके बाद क्या है पिता को याद किया है और पिता की विशेषताएं बताई है। ओके देख लेते व्याख्या।
कभी कहता है कि घर में मेरे पिताजी हैं, वह बहुत क्या है वह बूढ़े हो चुके हैं, परंतु बुढ़ापे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज भी उनके हृदय में जवानों जैसा उत्साह और साहस है, शरीर से भी इतने स्वस्थ हैं कि वे अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, वे अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। पिताजी में अभी भी क्या है युवाओं जैसी चुस्ती फुर्ती है। कहने का भाव यह है कि वे प्रसन्नता एवं उल्लास से भरे हुए हैं। कभी कहता है कि उनमें इतना साफ है कि वह मौत के सामने भी डट कर खड़े हो सकते हैं, शेर के सामने आने पर भी वह नहीं डरते। कभी कभी के कहने का बयान कभी हो जाएगा ओके, तो कभी के कहने का भाव यह है कि पिताजी की उम्र का प्रभाव उनके किसी भी कार्य पर नहीं पड़ा, आज भी उनकी क्या है इच्छा शक्ति जड़ है ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं काव्यांश। अगर जो मैं दोस्तों आपको नोट्स पढ़ाता हूँ या आपके अपनी वेबसाइट anuragasariclasses.com गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वहां से आप क्या है किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के आप क्या है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ओके। आगे देख लेते काव्यांश। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला कर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर पर तिर रहा है ओके। तो क्या है प्रस्तुत पंक्तियों में कभी अपने पिता को याद करके उनकी क्या है आध्यात्मिक प्रवृत्ति का वर्णन करता है, मतलब पिता को याद करता है आध्यात्मिक प्रवृत्ति को उनकी याद करता है। व्याख्या है कभी अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर मुझे याद करके उनकी आंखों में क्या है आंखें भर आई होंगी, मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इन सब बातों की स्मृति कभी को क्या है कभी होगा दोस्तों हाँ कभी को क्या है परेशान कर देती है, तथा बरसते पानी में क्या है कभी को घर की याद सताने लगती है ओके। चलिए आगे देख लेते, बहुत ही आसान भाषा में ये दिया हुआ है आपका अभ्यास है ओके, बहुत ही आसान भाषा में आपको नॉर्मल समझ पा रहे होंगे, तो आसानी से अगर पेपर में आता है तो आप क्या है व्याख्या करना आपके क्या है बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बस आपको एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना है और समझ लेना है ओके। और से समझ लेते हैं तो आपसे एमसीक्यू बन जाएंगे, वस्तु निष्कर्ष बन जाएंगे, साथ ही क्या है क्वेश्चन आंसर ये उस चैप्टर के बन जाएंगे ओके। इससे पहले भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं, उनके आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप जाकर जरूर पढ़िएगा ओके। आगे देख लेते काव्यांश। चार भाई चार बहने भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर ओके। प्रसंग में क्या देख लेते हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कभी अपने पिता और सदस्यों को क्या है याद करके क्या है भावुक हो जाता है। व्याख्या कभी अपने भाई बहनों को याद करते हुए कहते हैं कि और बहने और उनके भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ है, और बहने प्रेम का प्रतीक है। इस समय जब उसके घर में उसके भाई बहन खेल रहे होंगे या खड़े होंगे तो उसके पिताजी की नजर में उन पर अवश्य ही होगी, वे उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे लेकिन मुझे याद कर रहे होंगे और आंसू बहा रहे होंगे ओके। मतलब कभी कभी तात्पर्य क्या है कि क्या है जब उनके पिता क्या है सब अपने सभी भाइयों और बहनों को एक साथ देखते होंगे तो क्या है प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्या है जैसे ही मुझे याद आता है उनको कभी को याद करता है तो क्या है उनके आंख से आंसू बहने लगते हैं, मतलब आंसू भर आते हैं क्योंकि क्या है कभी जेल में अभी है ओके। आगे देख लेते काव्यांश। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहती रही है प्यार में बहती रही है, आज उनके स्वर्ण बैठे लगे होंगे हेठे क्योंकि मैं उन पर सुहागा बदा बैठा हूँ अभागा ओके। प्रसंग देख लेते, प्रस्तुत पंक्तियों में कभी अपने आप को अभागा समझता है और भावुक होता है ओके। क्या क्या है कभी अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि मैं अपने पिता का पांचवा पुत्र हूँ, मुझे वह सदे हुई अपने पुत्रों में क्या है सोने पर सुहागा अर्थात अन्य पुत्रों से श्रेष्ठ मानते थे, ऐसा कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण उन्हें अपने चारों सोने के समान गुण वाले पुत्र भी क्या है तुच्छ लग रहे होंगे क्योंकि वह जो मुझे उससे श्रेष्ठ समझा रहे थे आज भी क्या है भाग्यहीन जेल में होने के कारण उन्हें क्या है कष्ट पहुंचा रहा हूँ ओके। नेक्स्ट काव्यांश देख लेते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है ओके। प्रसंग में देख लेते हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कभी अपने पिता और माता के मन की यह व्यथा को खुद अनुभव कर रहा है, मतलब पिता और माता का जो दुख है उसे वह स्वयं अनुभव कर रहा है कभी ओके। व्याख्या देख लेते हैं, कभी अपने पिता की स्थिति का अनुमान लगाकर कहता है कि
उसके पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय दुखी हो रहा होगा और वे उन्हें नाटक बढ़ाते हुए कहती होंगी कि हमारा छोटा बेटा भवानी अच्छी तरह से होगा, आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं। वह उन्हें समझाते हुए कहती है कि वह आपके मन की बात समझ रहा होगा और आपसे अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही क्या है जेल गया है, वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चल रहा है, अर्थात वह आपके द्वारा बताई गई परंपरा का ही पालन कर रहा है। ओके, आगे देख लेते काव्यांश। पांव जो पीछे हटाता खोक को मेरी लजाता, इस तरह हुए न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहां मैं रोता कहां हूं, धीर मैं होता कहां हूं। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि की माँ और माँ उसके पिताजी को हृदय दृढ़ करने और क्या है धैर्य रखने के लिए समझा रही है, मतलब क्या है माता जी क्या है पिताजी को समझा रही है। ओके, व्याख्या क्या है, कवि की माँ कवि के पिता को समझाती हुई कह रही है कि जिस रास्ते पर उनका बेटा चल रहा है वह संघर्ष का रास्ता है, उसके कर्तव्य का रास्ता, यदि वह उस पर चलने से अपना पांव पीछे हटा लेता तो मेरी क्या है कोख भी लज्जित हो जाती, अर्थात यदि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता तो उसकी वीरता वीर जननी को भी क्या है लज्जा आती, ऐसे समय में तुम अपनी आंखों से आंसू बहाकर उसे कायर मत बनाओ। मतलब क्या है माताजी किसे कहती है पिताजी, ओके, माँ पिताजी को हिम्मत देते हुए कहती है कि आप मन को क्या है कमजोर न करें और आप धैर्य बनाए रखें, अन्यथा आपके बच्चों का साहस भी क्या है टूटेगा और क्या है वे भी रो पड़ेंगे। असहयोग आंदोलन में क्या है कभी जो है भवानी प्रसाद मिश्र उन्हें क्या है जेल हो गई थी। ओके, तो ये क्या है देश प्रेम की बात पूरी इसमें हो रही है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। कभी कहता है कि जब तब पिताजी अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा होगा कि मैं कहां रो रहा हूं, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूं। ओके, नहीं खो रहा हूं, यहां खो हो जाएगा। ओके, कभी यह सोचकर करुणा से भर गया है कि अपने हृदय में भेजता से पाकर उनके लिए कितना मुश्किल होगा। ओके, वेदना हो जाएगा आपका। ओके, आगे देख लेते काव्यांश। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब तरह से। ओके, तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपनी अपनी मानसिक स्थिति का क्या है वर्णन कर रहा है। क्या कहे कवि सावन को क्या है संबोधित करते हुए कहता है कि हे सुंदर आकर्षक व लोगों को खुशियां प्रदान करने वाले सावन, हे सुख वर्जन मंगल करने वाले सावन, तुम अवश्य बरसो, तुम्हारे बरसने से क्या है जगत का उद्धार होता है, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को ना बरसने दो। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है पर अपने पिताजी के आंखों से आंसू क्या है बरसना नहीं। ओके, कवि आगे कहता है कि मेरा संदेश देते हुए उन्हें कहना, मतलब सावन को कहता है कवि कि मेरा संदेश देते हुए उन्हें कहना कि मैं यहाँ पर बहुत ही आनंद में हूँ, सुख से रह रहा हूँ, बस कमी तो यह इसी बात की है कि मेरे घर पर नहीं है। कभी कि बस कहने से मैं उसका सारा दर्द छुपा है। कभी स्वयं को ही संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने उन्हें क्या ढाटस बताने के लिए जो यह कह दिया है कि बस घर में नहीं हूँ परंतु घर से अलग होकर रहना बहुत कठिन है, इसी दुख में मेरा क्या है जीवन दुखी है, मैं वियोग लोग भुगत रहा हूँ जो नीरस से और नरक के समान। ओके, आगे काव्यांश देख लेंगे, मैं आपको ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप क्या मैं पढ़ता है तो आपको क्या सुनते ही क्या है समझ में आ जाता होगा। ओके, नॉर्मल भाषा में दिया हुआ है। नेक्स्ट काव्यांश देख लेते हैं। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देर देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में है, उसमें क्या है लाइन में ही क्या पूरा भावार्थ समझ जाते हैं। ओके, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत कहो, करो कुछ शोक कहना। ओके, प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि सावन को अपना दूत बताकर अपना संदेश अपने क्या है माता पिता तक पहुँचाने के लिए कहता है। व्याख्या है, कवि संदेश वाहक सावन से कहता है कि वह सुंदर सजीले सावन, तुम क्या है घर जाकर मेरे पिता को यह मत कहना कि मैं दुखी हूँ, उनके सामने निराशा की बातें मत करना, उन्हें कहना कि मैं क्या है आनंद में हूँ और मस्ती में हूँ, मैं साहित्य का अध्ययन व कविताएं लिखकर नाम भी कर रहा हूँ, मैं हर समय व्यस्त रहता हूँ, यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तुम कहना कि जेल के लोग भी क्या है उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए वह दुख ना करें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। और कहना मस्त हूँ मैं,
सातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर खेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं यो न कहना अस्त हूँ मैं। ओके, तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहे सावन के माध्यम से अपना संदेश भेज रहा है। कब व्याख्या हो जाएगी, कवि सावन से कहता है कि यह सावन तुम मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ गांधी जी के निर्देश पर सूत काटता हूँ। ओके, मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ, मेरा वजन 70 शेर हो गया है। कहने का भाव यह है कि मैं हर प्रकार से यहाँ क्या है सुखी हूँ, सुख में हूँ और क्या है मजे में हूँ। आगे कभी कहता है कि यह सावन तुम पिताजी से यह भी कहना कि मैं यहाँ खूब खेलता कूदता हूँ, दुखों को अपने से दूर रखता हूँ। तुम उनसे कहना कि मैं हमेशा क्या है मस्त और क्या है निश्चिंत रहता हूँ, लेकिन तुम उनसे यह कभी मत कहना कि मैं क्या है उदास निराश में हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट काव्यांश। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बकना देना उन्हें कोई सकना देना। ओके, हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांचवी को वे न करते। ओके, लास्ट एक काव्यांश ही है, तो प्रसंग क्या लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि सावन के माध्यम से अपने संदेश को भेज रहा है क्योंकि यह उसे जेल में अपने घर की याद आ रही है, लगभग वही सभी बताया गया है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं, कवि सावन को निर्देश देते हुए कहता है कि तुम उनसे यह मत कही कहना कि मैं एकदम क्या चुपचाप रहता हूँ जैसा कि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, मतलब जो डीएलटी है वो ना बताना। ओके, अर्थात मेरे पिता के सामने मेरे दुखों का बयान ना करना, तुम उनसे यह मत कहना कहने देना कि मुझे क्या है नींद नहीं आती है, मुझे मैं क्या है आदमियों को देखकर क्या है भय लगता है, मुझे क्या है आदमियों को देखकर भय लगता है। यह सावन देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझकर बोलना, उनसे कोई व्यर्थ की बातें ना कहना जिससे उन्हें दुख हो, ऐसा बोलना जिससे मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करे। ओके, वह तुम्हारी बातों में विश्वास करे। तुम उन्हें मेरे कष्टों के बारे में मत बताना, मेरे हरे भरे सुंदर सावन मेरे मंगल की कामना करने वाले मित्र, तुम जितना चाहो उतना बरस लो पर मेरे पिताजी की आंखों में आंसू नहीं बरसने चाहिए। कभी की याद में उसके माता पिता को चिंतित है कि कभी भी उनकी स्थिति की कल्पना करके क्या है दुखी हो जाता है, मतलब माता पिता की स्थिति देखकर क्या है कभी दुखित हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों अपना अध्याय 5 अपना घर की याद का मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो ओके और समझ में आया हो बेहतरीन तरीके से चैप्टर, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। कोई भी डाउट हो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर रखिएगा जिससे आप क्या है इस साल की बोर्ड परीक्षा में क्या है इजीली क्या है 95 प्लस स्कोर कर सके। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ वगैरह के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। अब मैं जो आपको पढ़ाता हूँ सभी अध्याय के सभी सब्जेक्ट के ओके नोट्स वो आपको क्या है वेबसाइट में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, तो जाकर जरूर विजिट करिएगा और ऐप से आप क्या है आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।